एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या हिंदुओं के भगवान के पास नौकर चाकर नहीं है कि वे खुद ही भक्तों के पास दौड़े आ जाते हैं, वह भी नंगे पांव। बीरबल चुप रहा। घर आकर उसने एक कुशल मूर्तिकार को बुलवाया और उसने शहजादा सलीम की, जो उस समय शिशु ही था, एक मूर्ति बनाने को कहा। मूर्तिकार ने अपनी पूरी कला का उपयोग करते हुए मोम की एक मूर्ति बना दी जो हूबहू सलीम जैसी थी। बीरबल ने अब सलीम के लिए नियुक्त कुछ चारिकाओं को बुलाया और उन्हें कुछ लोभ देकर यह बात सिखाई कि इस मोम के सलीम को साथ लेकर शाम में यमुना में नौका विहार को आना, मैं भी बादशाह के साथ नौका विहार के लिए आऊँगा। जब बादशाह की नज़र इस सलीम पर हो तभी तुम चालाकी से इसे यमुना में गिरा देना। निर्धारित समय पर बादशाह अपने दरबारियों के साथ निकला। इसके पूर्व ही सलीम की नाव भी विहार के लिए निकल चुकी थी। कुछ देर तक दोनों नावें हिलोरे के साथ खेलती रही। बादशाह से न रहा गया। अपने शहजादे को देखने की प्रबल इच्छा से उसने नाव को उधर मोड़ने की आज्ञा दी। परिचारिकाएं भी समझ गई कि बादशाह अपनी औलाद को देखने के लिए आतुर हैं। एक परिचारिका शहजादे को गोद में लेकर इस प्रकार खड़ी हो गई कि बादशाह उसे भली भांति देख सकें। बादशाह खुश हो रहा था कि इसी बीच एक घटना घटी। सलीम हाथ से छूटकर यमुना में गिर गया। परिचारिका सन्न रह गई। झट बादशाह यमुना में कूद पड़ा और उसने अपने बच्चे को पकड़ लिया। बाहर आकर देखा वह मोम का पुतला है। वह गुस्से के मारे लाल हो गया। बेचारी दासी पर मुसीबत गुजरने लगी। इधर बीरबल शांत। ज्यों ही अकबर की करकती आवाज़ दासी के प्रति निकली, बीरबल झट से आया और बोला, जहाँ पना दोषी मैं हूँ। अकबर बोला, यह कैसा मजाक। बीरबल बोले, हुजूर आपके कल के सवाल का यह जवाब है। आपका शहजादे के प्रति अतिशय प्यार है। आप अपनी जान से भी ज़्यादा उसे मानते हैं। यही कारण है कि उसे पानी में गिरता देखकर आपने अपनी जान की परवाह न की और नदी में कूद पड़े। आपको ख्याल भी न रहा कि आप शाही लिबास में हैं। आपके साथ अन्य कितने सारे लोग थे, किसी को भी आज्ञा दे सकते थे। किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि वह एक क्षण भी देर करता, पर आप खुद पानी में कूद पड़े। यही हाल हमारे भगवान की भी है। अपने भक्त पर तनिक संकट आया देखकर भी वे नंगे पांव झट दौड़ पड़ते हैं। अकबर को प्रभु की भक्त वत्सलता का अंदाजा हो गया।